मैं इस बात को लेके कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ कोई भी। ड्रॉप कहाँ से, छत से? तो नमस्कार, सभी का स्वागत है चिलमिजाज पे। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं श्रेय जैन, जो कि IIT कानपुर में ही PhD के छात्र हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से। तो श्रेय, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ यार, मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई बायो मुझे सूट करेगा भी नहीं। अलग अलग काम कर लिए हैं, पर एक जो कांस्टेंट चीज़ है वो फिज़िक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही अपना इंट्रो दूँ कि मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा BSMS है फिज़िक्स में यहाँ से, और अब मैं PhD वहीं से कर रहा हूँ। ओके, तो श्रेय, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज सेकेंड होम होता है, तो आपने इस चीज़ को काफ़ी सही सेंस में ले लिया है कि आपने UG डिग्री भी यहीं से की, PG डिग्री भी यहीं से की, और PhD भी यहीं से कर रहे हो। तो ये कैसे हुआ एकदम से, मतलब तीनों डिग्री आप एक ही जगह से कर रहे हो? यार, मेरे को फिज़िक्स ही लेनी थी, और IITs में बेस्ट जो थियोरेटिकल फिज़िक्स है वो कानपुर में ही थी। तो फिजिक्स आपको IIT से पहले फिजिक्स लेनी थी, IIT में आने से पहले? मुझे फिजिक्स लेनी थी। हाँ, तो फिजिक्स आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग मिली है या फिर फिजिक्स ही लेनी थी? देखो अव्वल तो सीनियर से सब सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। पर ऐसा है कि नहीं, मेरे को लेनी थी यार। हाँ, मेरे को मिल तो यहाँ इलेक्ट्रिकल और कुछ भी जाता, मतलब यहाँ कंप्यूटर साइंस छोड़ के मेरे को कुछ भी मिल जाता IIT कानपुर में। हाँ, पर मेरे को लेनी फिजिक्स ही थी। ये इतना पहले से कोई कैसे सोच सकता है फिजिक्स को लेके या अपने डिपार्टमेंट को लेके? यार, मैंने इसको ऐसा करियर नहीं सोचा है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बड़ी जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी जल्दी कुछ किस चीज़ का अगर क्रक्स पकड़ लूँ ना, फिर मुझे लगता है कि अब ये हो गया, अब ये बोर हो गया। हाँ, तो कुछ ऐसा जो रोज़ बदलता हो, हर क्षण बदल रहा, उसमें मज़ा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमूमन हर चीज़ में बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो बाई नेचर मेरी ऐसी है कि वो मेरे को पसंद आती है, और बचपन से मेरे को पसंद आती है। बचपन? हाँ वाकई, बहुत बचपन से। बचपन यानी 9th-10th? नहीं, बचपन यार, बड़ी अर्ली स्टेज से आप इंक्विजिटिव हो जाते हो। एक इंक्विजिटिवनेस होती है कि आप किस चीज़ को देखो, फिर जानने को कि ये क्यों हो रहा है, ये सब तो एक होता है। मेरे में जो थी वो बड़ी मैकेनिकल थी, कि ये जो घट रहा है इसकी मैकेनिक्स क्या है। हाँ, तो वो बड़ी बचपन से थी, है ना। उसके बाद 9th-10th में जब न्यूटन्स लॉज आए, तब वो उसको एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क मिलना चालू हुआ, पर वो 9th-10th में कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। जब बड़ी सारी चीज़ें आ गई, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, है ना, वो अलग थोड़ी मैकेनिक्स है, जो कि बाद में पता चला कि सब सेम है, पर पहले लगता था कि ये सब बड़े बिखरे बिखरे कॉन्सेप्ट थे, और उतनी स्ट्रीमलाइन पढ़ाई भी नहीं थी। 11th-12th में आके जब वो स्ट्रीमलाइन होने लगा सब, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, तब जाके मेरे को तो मज़ा ही आ गया था कि वाह, ये तो है जो मेरे को करना है। हालांकि उस टाइम पे मैं मेडिकल की कोचिंग कर रहा था 11th-12th में। हाँ, मैं 11th-12th में हाँ मेडिकल की कोचिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा टारगेट पहले डॉक्टर बनने का था बचपन से, पता नहीं क्यों ऐसे ही था। फैमिली प्रेशर नहीं यार, पता नहीं, पापा डॉक्टर हैं, आसपास बहुत सारे लोग। एनवायरनमेंट कह सकते हैं? हाँ, एनवायरनमेंट बिल्कुल। एक तो यार, मैं जहाँ से वो टाउन है ना, तो वहाँ पे वन ऑफ द मोर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, और तो प्रोफेशन अच्छा है, पैसा ठीक है, तो क्या ही ऐसा है कि फैमिली वाले खुश ना हो इस प्रोफेशन से, ना। और पापा डॉक्टर हैं, आसपास के फैमिली को खुश करने के लिए मेडिकल की कोचिंग कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, आसपास के लोग भी डॉक्टर्स हैं, है ना, तो मैं उसी एनवायरमेंट में रहा, तो मेरे को, और बड़ा अच्छा प्रोफेशन है जैसा कि मैंने बताया, है ना, और साइंस से जुड़ा भी है, जैसा कि मुझे लगता था कि मेरे को साइंस में जाना है। तो हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे को, मतलब बचपन से ही मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, कभी कोई प्रेशर नहीं कहा जाएगा उसको, पर पता नहीं, मेकअप कुछ भी कह लो, परवरिश कह लो, कि बचपन से डॉक्टर आपके साथ बड़ा हुआ। हाँ, उसी टाइप का। तो 11th-12th में वो ले लिया, 11th में ले लिया, है ना, पर उस टाइम पर तो अकल आने लगती है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मेडिकल के टेस्ट वहाँ दे रहा हूँ, तो
मेरा जो फिजिक्स का स्कोर है वो एक अलग जोन में है, जोन में मतलब हाँ वो करीब करीब ऐसा है, और जो बायोलॉजी का स्कोर है वो कम है ना। तो ये मेरा बड़ा इंटरनल बहाना था, कह रहे फिजिक्स में देखो ना कि मैं कहाँ हूँ, तुम बायो हो तो चलो मेरा वीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहानेबाजी मैं खुद से कब तक करूँगा है ना, जब मेरा प्रोफेशन ही अगर बायोलॉजी का होने वाला है तो मैं ये बहानेबाजी खुद से कब तक करूँगा कि मेरा तुम फिजिक्स में स्कोर देखो। तो 11th से मेरे दिमाग में बीज तो था, 12th तक आते आते वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो 12th की स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को डिसाइड नहीं, मेरा मन किया कि मैं फिजिक्स की ओर रुख करूँ, पर उस टाइम पे बड़े प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट थे, मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी मेडिकल में, हाँ तो जो वीकेंड बैच था उनका मैं तो मतलब अच्छी थी तब बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज जा सकते थे। हाँ हाँ तो मतलब ये था कि मेरा तो होना ही है उस टाइप का। तो अगर मैं मेडिकल छोड़ देता और 11th ख़त्म होने के बाद मैं ढंग से जेई की प्रेप करता, और जेई तो ज़्यादा मुश्किल है ही, तो ये लगा कि यार एक जो प्रोफेशन एकदम चेंज करना सेट है कि मेरा होना ही है, और दूसरा एक कि एकदम ही उल्टा हो जाएगा कि एकदम ही चांस बहुत कम हो जाएंगे कि होना भी हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैथ्स की बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी की नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं ये बात ठीक है, ये बात प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि मैं अभी बायोलॉजी पे ध्यान दूँ। फिर अच्छा मुझे मैथ्स से डर लगता था, मैं मैथ्स टाइप का आदमी नहीं हूँ। ओके हाँ मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, मैं बड़ा मैकेनिकल तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ है ना, इतना कि मैं कंप्यूटर को भी, जब मैं पहली बार कंप्यूटर साइंस में कोडिंग पढ़ी तो मुझे कोड की फंक्शनिंग से ज़्यादा कंप्यूटर की जो फिजिक्स थी उस पर ज़्यादा मेरा दिमाग जाता था, जो मेरे को वापस खींचना पड़ता था। तो मैं बड़ा मैकेनिकल आदमी हूँ सेंस में, पर मैं मैथ्स वाला आदमी नहीं हूँ है ना, मैं बैठ के ट्रिग्नोमेट्री की जो 16 टर्म का एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई करने में मेरा मन नहीं लगता, तो उस टाइप का मैं आदमी नहीं हूँ। तो मेरे को मैथ्स से बड़ा डर लगता था है ना। जब 12th में हम लोग आए और एक बार डाउट क्लास चल रही थी हमारी, तो मैंने सी सर को कहा कि सर एक ऐसा सवाल दो जो कोई ना कर पाए मैथमेटिक्स में, नहीं नहीं फिजिक्स, अच्छा, फिजिक्स की, फिजिक्स में है ना, फिजिक्स की डाउट क्लास चल रही थी, तो सब हो गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। तो मैंने कहा सर ऐसा कोई सवाल था जो कोई ना कर पाए। तो अच्छा मेडिकल की जो फिजिक्स होती है ना, उसमें अगर आपको एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए किसी सवाल में, तो वैसा हो जाता है कि ये मेडिकल में नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। ओके है ना, तो मेडिकल की फिजिक्स एकदम फॉर्मूला बेस्ड टाइप की होती है। पर इसका फ़ायदा ये कि आप जो टीचर है उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं रहता कि वो सवाल बहुत ज़्यादा कराए है ना। तो मेरे जो टीचर थे वो बड़ा कंसेप्ट फोकस्ड थे, और मेरे को किताब मिली कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा, तो कंप्लीट पैकेज हो गया। तो मेरा जो कंसेप्चुअल ग्रोथ हुआ 11th में वो कमाल का था, पर मैथमेटिकल ग्रोथ में मानता हूँ कि मेरा उतना नहीं हुआ है ना, वो जो मेरी अलजेब्रिक कैपेबिलिटीज थी वो लगभग वैसी थी जो 10th तक की थी। अच्छा मिले फिर कॉन्सेप्ट फिजिक्स के राइटर से? अरे यार नहीं नहीं अभी नहीं मिल पाया, मैं बड़ा कई बार सोचा पर मैं कई जगह उलझा भी रहा। हाँ तो हाँ मैं कई बार मैं सोचता हूँ, एक बार वो लोग एक बार वो बैठे थे ऑडिटोरियम में, मैं कविता पढ़ने वाला था क्लब की तरफ से, तो मैं सोच रहा था कि इससे बेहतर मेरा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि वो ऑडियंस में बैठे हों और मैं क्लब की तरफ से 1000 लोगों के सामने एक कविता पढ़ दूँ। खैर कविता मैंने बड़ी अच्छी पढ़ दी थी, पर वो उठ के जा चुके थे तो मेरा हीरो मोमेंट जो है वो बड़ा रिड्यूस हो गया। चलो वापस आते स्टोरी पे। हाँ तो ये हुआ, तो 12th में मैंने कहा कि सर ऐसा सवाल जो कोई ना कर पाए, तो सर ने इरोडोव का सवाल दे दिया है ना, जो लोग इरोडोव के बारे में नहीं जानते हैं बड़े हैं कठिन सवाल हैं, कंसेप्चुअली भी रिच हैं और मैथमेटिकली भी कठिन है। हाँ मैथमेटिकली भी रिच हैं, वो ट्रिकी नहीं है, वो रिच सवाल है मुझे लगता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ सवाल करके। सर ने इरोडोव का सवाल दे दिया, मुझे नहीं पता था इरोडोव का, हमने बस नाम सुना था कि बहुत कठिन सवाल होते हैं इरोडोव में, पर मुझे नहीं पता था सर ने वो सवाल दिया, तो मैंने वो कर दिया किसी तरीके से। तो मैंने कर दिया, सर को दिखाया तो सर बोलते यार तुम इरोडोव ले लो, सर ने भी ऐसे ही मजे में कह दिया कि तुम इरोडोव ले लो, तो मैंने इरोडोव ले ली। तो सर 10 सवाल मार्क कर देते तो मैं 10 कर लेता था हमेशा। आप इरोडोव ने पूरी सॉल्व की है? नहीं 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 ठीक है, मैंने इरोडोव ले ली, वो कितने 70 रुपए की तो किताब थी, तो
मैं ले जाता था, मेरी वीकेंड कोचिंग थी, तो सर 10 सवाल मार्क करते रहते और मैं वो कर लेता था, फिर मैं अगली बार दिखा देता था। तो उसके दौरान जो मेरी इंटीग्रेशन की और मैथ्स की जो एप्लीकेशन से जो समझ बनने लगी, तो मुझे लगा कि वो मैथ्स के कंसेप्ट की ओर चली गई, तो मैं मैथमेटिकली भी बड़ा स्ट्रांग होने लगा। तब मेरा जो फोबिया है ना कि मेरी एलजेब्रिक कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है, वो कम होने लगा। तब मैंने डिसाइड किया, वो धीरे धीरे क्रम में चलता रहा, तब मैं आगे बढ़ता गया इस विचार पे कि अब मेरे को फिजिक्स करनी है। और सितंबर अक्टूबर आते आते मेरा हो गया कि अब तो फिजिक्स ही करनी है। हाँ, तो फिर मैंने मेडिकल की जो तैयारी थी एकदम लगभग बंद कर दी और सीरियसली मैथ्स को परस्यू करना स्टार्ट किया। ये चीज़ आपने जब घर पे इन्फॉर्म की तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? हाँ, बड़ा यार, एक तो मुझे लगता है कि मेरे पापा बड़े रैशनलिस्ट आदमी हैं। रैशनलिस्ट? हाँ, बड़े ज़्यादा। ओके, तो मैं बड़ा सौभाग्यवान तो हूँ, पर उसमें यह है कि आपके ऐसे जो फंडे होते हैं ना, जो नौटंकी आजकल की जो बड़ी पॉपुलर हो गई है फेसबुक या, वो बड़ी कम चल पाती है। जैसे अब मेरा भी पर्सनल मानना यह है कि ये जो टर्म है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये बड़ी मीनिंगलेस सी टर्म है। नहीं, ये जो कथन है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मुझे यही करना चाहिए, ये जो कथन है ये बड़ा मीनिंगलेस सा लगता है मुझे अभी। इंटरेस्ट बड़ा सब्जेक्टिव है, सरकमस्टांशियल है ना, वो आपकी उस समय के एस्केप्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मेरा बायोलॉजी से एस्केप हो सकता है फिजिक्स, है ना, मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन हो सकती है कि मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जबकि मुझे बस वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मेरे को वो, कि मैं वो कर पा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर है ना। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट नाम की जो चीज़ है हमें फील होने लगती है। तो जब मैंने घर पर कहा, अभी मुझे ऐसा लगता है, उस टाइम मुझे लगता था, हालांकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलत डिसीजन लिया। हाँ, तो उस टाइम पर मैंने जब कहा तो बड़ा उनका ऐसा ही रैशनल सा वो था रिएक्शन की ये तो बड़ी सोची समझी और इन्फॉर्म्ड सा डिसीजन नहीं है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं मेडिकल में ठीक कर रहा था और वो तो फैक्टर था ही, वो तो हमेशा ही था। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, तो पहले टेस्ट में तो मेरे बड़े ख़राब परफॉर्मेंस थी, जेई वाली, हाँ, जो थी। तो फिर ये ज़्यादा बात और मुखरता से आई कि एक एकदम सेट करियर है और दूसरा एकदम अनसर्टेन कि उन्हें पता नहीं क्या होगा। और उस टाइम उम्र काफ़ी कम थी, स्टिल इतना सोचना। यार, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत रैशनलिस्ट हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इतना कि मैं घमंड करता हूँ अपने आप पे। हाँ, तो मैं बड़ा आर्गुमेंटेटिव था खुद से और इंट्रोस्पेक्टिव में बड़ा रहा हूँ इस मामले में। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैंने भ्रम में आके या जबरदस्ती उत्सुकता में मैंने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा मैं कभी नहीं किया अपने जीवन में। हाँ, तो मैंने कहा कि एक और टेस्ट देखते हैं, अगर इस टेस्ट में ठीक हो गया तो फिर मैं फिर जेई की करूँगा, फिर मैं मेडिकल छोड़ दूंगा। तो फिर दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें मैंने बढ़िया कर दिया, बल्कि उसमें मैंने केमिस्ट्री बड़ी ख़राब की थी, ठीक है, पर फिजिक्स तो मेरी थी अच्छी और मैंने मैथ्स बड़ी अच्छी कर ली थी। तब मुझे लगा कि हाँ, यार ये हो जाएगा। तो तब मैंने, वो दिसंबर था, दिसंबर का फर्स्ट वीक था, पेपर में कुछ बाकी होंगे, 4-5 महीने। हाँ, चार महीने जेई के लिए थे और मेंस के लिए और 6 महीने एडवांस के लिए थे। हाँ, तो हाँ अभी ऐसा लगता है कि हाँ। तो फिर मैंने वो किया, फिर मैंने एकदम बायो बंद कर दी बिल्कुल। हाँ, तुमने नीट का पेपर नहीं दिया फिर? नहीं, मैं दिया था, ठीक है। हाँ, मेरा हो भी गया था। किस लेवल पे हो गया था? हाँ, मेरी रैंक आ गई थी, मेरे को मिल जाता हरियाणा का एक ठीक सा मेडिकल कॉलेज। ओके। हाँ, मैंने अक्टूबर में आखिरी बायो पढ़ी थी और फिर मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ी थी 2 दिन मार्च में, और फिर मैंने सीधा पेपर दिया था। और स्टिल आप कितनी सी रैंक आ गई थी कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता? हाँ यार, मैं बताया कि मेरा 11th 12th में स्ट्रॉन्ग था ना, तो वो सब याद तो था ही, ब्राइट स्टूडेंट थे। हाँ, तो वो सब याद तो था ही। पेपर में मुझे लगा कि हाँ, हल्का हल्का भूलने लगा हूँ, तो वो सवाल तो हल्के हल्के से ही आते हैं, मोटे मोटे तौर पर सवाल नहीं पूछते हैं, फिर भी ठीक ठाक हो गया था। ठीक है, तो वापस जेई पे आते हैं। हाँ, तो वो हुआ, फिर मैंने मेडिकल उसकी जेई की तैयारी चालू की। वो तो रिमार्केबल फेज था यार, वो तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। मतलब 2-2 हफ्ते में उनका टेस्ट होता था,
आकाश की मैं टेस्ट सीरीज ली थी, और जैसे ऐसा था कि दो हफ्ते बाद ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, मतलब वो उनके छः टेस्ट थे जो टेस्ट सीरीज है, छः आठ थे शायद, और हर एक में एक यूनिट आ जाती थी। तो सेकेंड टेस्ट वो था जो उन्होंने बताया कि जिसमें मैंने डिसाइड किया कि अब जेई, थर्ड में पूरी ट्रिग्नोमेट्री थी, फोर्थ में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, फिफ्थ में वेक्टर था, एलजेब्रा और ये सब था, ऐसे ऐसे पूरी पूरी यूनिट्स थी। तो हमने पूरी मैथ्स कर ली थी 4-5 महीने में। अरे बता तो रहा मैं, तो वो दो दो हफ्ते की यूनिट का टाइम मेरे को मिलता था, तो जैसे मेरा टेस्ट खत्म होता था एक, तो अब मैं देखता था कि अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट का टेस्ट अगला दो हफ्ते बाद, मैं उसकी किताब ऑर्डर करता था। अच्छा हाँ, तो वो 4-5 दिन में आती थी या हफ्ते भर बाद भी आती थी, और फिर मैं उससे पढ़ता था। तो मेरे पास एक हफ्ता करीब होता था कि मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो 11th 12th की पढ़ाई है वो करूँ, उसके सवाल सॉल्व करूँ, ये सब करूँ। तो इस तरीके से ऐसे फिर ये ख़त्म हुआ, तो अब अगला टास्क कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो फिर दो हफ्ते में ऐसे ऐसे करके। बीच में एक आज वो हो गया था प्रैक्टिकल्स के लिए, उन्होंने बीच में दो हफ्ते छोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, तो इस सब में कुछ मेरे को रियायत मिल गई, पर ऐसे चला। तो बड़ी एक्सप्रेस स्पीड में मैंने उस टाइम पे मैथ्स की पढ़ाई की, और सवाल मैं वैसे ही बहुत कम करता हूँ, काफ़ी कम ही करता हूँ, कंसेप्ट पे बड़ा फोकस रहता हूँ, तो मेनली मैं कंसेप्ट ही पढ़ पाता था, और जो मैं सवाल करता था वो लगभग सीधा मैं पेपर में जाके पहली बार सवाल देखता था कि अच्छा ये क्या है, फिर मैं उस पर बैठ के सोचता था कि इसका क्या करना है। अभी आप वो डिसीजन लेने पर हताश हुए कि आपने मैथमेटिक्स यूज़ कर ली, कि यार ये कहाँ आ गया एकदम से? हताश मैं डिसीजन को लेके कभी नहीं हुआ आपने। अच्छा, मैथमेटिक्स को लेके हुए? हाँ, कि मैं कर नहीं पाऊँगा। अच्छा। मतलब मैं इस बात को लेके कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ कोई भी। ड्रॉप कहाँ से? छत से? हाँ, दोनों ही। यार आजकल काफ़ी ऐसी स्टोरी सुनने में आ रही है कोटा वोटा से। कोटा यार वो बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक भीड़ है जो बेहताश दौड़ती है एग्जाम की तरफ, दौड़ी जाती है। हाँ, जो भी है, पर वो दौड़ रही है और आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, और आपको वो पागलों की तरह वो टारगेट चाहिए है ना। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको वही भयावहता दिखती है ना, आपको वही डर और वही सब दिखता है, तो आप उस मोड से मुझे लगता है कि बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उस कंपनी से बाहर निकलें अपने आप को। तो स्कूल बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ सब तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, घर वाले कभी कभार हेल्प करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं। मेरे केस में बड़े हेल्पफुल थे, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मोहल्ला बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ कोई किसी का होता नहीं कि यही करना मुझे, तो इस तरीके से बड़ा हेल्प करता है वो सब। तो ये सब चीज़ें आपको सेन रखती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने जितना देखा है बहुत लोग तैयारी चालू करते हैं और फिर 12th तक आ जाते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, वो इतना उनका प्रेशर इतना हो जाता है कि अब यार ये आ गया, ये आ गया, जिसके लिए इतना मरते थे वो प्रेशर वो झेल नहीं पाते। आपने प्रेशर कभी नहीं लिया? प्रेशर ना यार, प्रेशर मैं बता, मैं खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंट भाई। ओके। मुझे लगा कि नहीं होगा तो क्या हुआ, एक और साल तो भी है ही, और अगर अभी नहीं हुआ तो एक साल में तो मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, तो मैं तो ऐसे फील में था। साल हुआ फिर? हाँ नहीं, पर मेरे को यार वो उसमें मेरे को डर बहुत था, जैसे मैं उस टाइम में पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं 8 घंटे मान लो रोज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर यही फेज एक साल और चल गया तो मैं तो पागल हो जाऊँगा, तो मुझे इस चीज़ को लेकर बड़ा डर लगता था कि मेरे को ड्रॉप नहीं करना है। हाँ, तो ये हुआ उस साल यार, जेई मेन्स हुआ फिर, तो जेई मेन्स में मेरे 216 नंबर आए। 216? हाँ। मैथमेटिक्स में कितने थे? मैथ्स में थे 30, करो ब्रेक डाउन। मैथ्स में थे मेरे 30 नंबर, फिजिक्स में थे 100। 100 में से 100? 120 का होता है उस टाइम, 120 का होता है। 120, अच्छा अच्छा जो भी है, अभी पैटर्न बदल गया है। हाँ, तो 120 का होता था मेरे, 108 थे शायद, और ये सब आता ना उसमें सेमीकंडक्टर, जब जो एडवांस में नहीं होता है, ये सब मैं छोड़ गया था। केमिस्ट्री में बाकी बचे हुए थे, मैथ्स में 32 थे शायद। अच्छा। हाँ, तो ये हुआ, तो मैं पता चला डिस्ट्रिक्ट का सेकंड टॉपर हो गया हूँ, मैं कहा ये क्या हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं होंगे, पता नहीं जो भी है। हाँ, तो बड़ा बूस्ट मिला। एडवांस में मेरा ये हुआ कि मैं मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है? 10% उनकी सब्जेक्ट कट ऑफ होती है। आपके कितने आए थे उसमें? हाँ, मेरे यार 300
72 का पेपर था वो एडवांस्ड का, 123 का था पर सब्जेक्ट, हाँ तो 379 का हो गया, हाँ ये ठीक है, 123 का पर सब्जेक्ट था। और मेरे 2016 की जो फिजिक्स थी वो बड़ी, सेकंड पेपर बड़ा मुश्किल आ था, तो मैं पेपर में जाने से पहले था कि मेरे को फिजिक्स में 80% लाने हैं, केमिस्ट्री में 60% लाने हैं, और मैथ्स में मैं 40% कुछ करीब ले आऊँ तो मेरी ठीक टॉप 500 में रैंक आ जाएगी। टॉप 500, हाँ तो मेरा ये इतना एक्सपेक्ट कर ही गए थे। हाँ ये मैं 2016 जो मैं पहला अटेम्प्ट था उसमें एक्सपेक्ट कर गया था। ठीक है, तो पहला पेपर मेरा ठीक गया, फिजिक्स में करीब 85% थे, केमिस्ट्री में थे ठीक सारे, मैथ्स में मेरे थे 66 में 8 नंबर थे मेरे। फिर पेपर टू आया तो मैं तो गया ही फिजिक्स का दम पे था, पेपर टू फिजिक्स बड़ी मुश्किल थे 2016 की जेई के मेरे, उसमें तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, पर फिर मेरा कॉन्फिडेंस पेपर के दौरान हिल गया था, तो केमिस्ट्री ठीक हो गई थी, मैथ्स में मेरे आए थे 66 में 2 नंबर। तो टोटल आपके उस साल मैथमेटिक्स में 10 नंबर आए थे। मेरे फिजिक्स में थे 72 नंबर, केमिस्ट्री में थे 65 नंबर, और मैथ्स में 10 नंबर। रैंक यार उस टाइम पे मेरी जो मेरे बने थे 147, हाँ, और 148 वाले की शायद 2800 कुछ रैंक थी उस साल में। फिजिक्स मिल सकता था आईआईटी, हाँ हाँ मिल जाता, पर वो मैथ्स मेरी डिस्क्वालिफाइड थी तो फिर मैं ड्रॉप किया। तो मैथ्स को लेके कुछ गुस्सा था? नहीं यार, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को लगता था कि बड़ा जेन्युइन कारण है कि मेरे मैथ्स में कम नंबर है, है ना। जैसे ऐसा हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ ली, अब वो मैंने पढ़े हैं कि एलिप्स की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन, अब वो सवाल में ये सब नहीं आता है, सवाल में कुछ और ही आ रहा है, तो मेरे को पता ही नहीं कि उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉलेज का मैं करूँ क्या। तो मैंने मेंस के बाद से एडवांस के बीच में डिसाइड किया कि उसको मैं छोड़ दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे से सवाल नहीं आ रहे इसके। तो कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब जो थे ये सब मेरे पसंदीदा टॉपिक्स थे, तो मैं इनकी तैयारी ज़्यादा कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार तो ढंग से पढ़नी चाहिए, तो मैं कभी हताश नहीं हुआ, फिर खुद को तैयार किया कि एक और अटेम्प्ट। तैयार क्या है, तो पता ही था कि देना ही देना है। मेरे टाइम पे क्या हुआ, AIPMT होता था मेडिकल का, उसी साल वो नीट कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो AIPMT सरकारी टेस्ट होता है, उसके अलावा हर कॉलेज अपना टेस्ट लेता था, नीट इनका वो था कि हर कॉलेज को नीट से ही लेना होगा एक सरकारी टेस्ट से, तो ये सब कर दिया। तो फिर हंगामा हुआ कि एकदम से कैसे कर दिया, पहले बताना होता था, हमने कहीं उन्होंने दिया नहीं AIPMT कि हमने बाकी में कॉलेज कर दिया है, तो फिर उन्होंने वाकई दोबारा उसको लिया, तो मेरे टाइम पे 2 मेडिकल के टेस्ट हुए। अच्छा, हाँ तो JEE का हो गया है, फिर जुलाई में एक और इन्होंने कह दिया कि अब तो मेडिकल का दोबारा होगा, तो जिसको देना हो दो, तो उस टाइम पे भी ये बड़ा चला कि देखो मेडिकल का देना हो तो देख लो, JEE तो नहीं हो पाया, तो तब मैंने कहा कि नहीं अब तो JEE ही करना है, मैंने देख लिया कि ये तो टेढ़ी गिर है नहीं। फिर वापस कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने FITG ज्वाइन किया था यार। ओके, हाँ दिल्ली में, बड़ा खुशकिस्मत रहा मैं, मेरे को क्या शानदार मैथ्स के टीचर मिले। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बड़ा विजुअल, मेरी आदत है कि मैं बड़ा विजुअलाइज करूँ, और मैं अलजेब्राइक बड़ा वो नहीं करता कि मैं लगा रहा हूँ ना, तो जो मेरे सर मिले मेरे को वो भी वैसे ही मिले उनका, पर वो निपुण थे, मैं निपुण नहीं था, उन्होंने मेरे को जो ट्रेन किया मुझे लगता है कि मैं वाकई मैथ्स को बड़े खूबसूरत तरीके से मैं देखने लगा इक्वेशंस के बाहर। वो एकेडमी स्टार्टिंग से ही पसंद था ऐसा कह सकते हैं? हाँ यार मुझे, हाँ मुझे ऐसा नहीं, मुझे कई चीज़ें पसंद थी, मैं खेलता भी था। ठीक है, पर मुझे मालूम था कि मेरे को करियर यही बनाना। अच्छा, तो वापस एक साथ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते अपन, अभी आगे JEE एडवांस 2017 में मैंने पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई नहीं की? हाँ, अब वो कोचिंग चालू हो गई तो वहाँ गया, तो वहाँ पे मैं टॉपर ही था और कॉन्फिडेंस था। हाँ, और वो सब हुआ ही जा रहा था, मैथ सर इतने शानदार थे मेरे, फिजिक्स मेरी पहले ही स्ट्रॉन्ग थी, है ना, केमिस्ट्री के बहुत बढ़िया टीचर थे, किताब मिली मेरे को पोला ब्रूस, क्या शानदार किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, उसने मेरे को दिखा दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मेरे को किताबें बहुत अच्छी मिली, टीचर इतने शानदार मिले, तो मेरे को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसा रहा फिर JEE एडवांस 2017 वाला? 17 में मेरा टारगेट था, मेरे को लगता है कि मेरे मैथ्स वाले सर का भी ऐसा उम्मीद थी कि मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। टॉप 100 में? हाँ, फिर और तो मेरा टारगेट था कि मैं JEE में 75% ले आऊँ।
जनरल ट्रेंड जो है वो 75% पे आप टॉप 100 में आ जाते हैं, तो मैं इसी टारगेट से गया था और मेरा हो भी गया, पर वो 75% मार्क्स आ गए। हाँ, पर वो उस टाइम का रैंक लिस्ट एकदम 75% पे 700 रैंक, पेपर बहुत इजी आ गया था उस टाइम। हाँ, 75% पे 700 रैंक आए थे। 700 रैंक के 700 रैंक लेके फिजिक्स लेना कूल था क्या? मतलब ऐसे कि फ्लेक्स की मुझे कुछ ही मिल सकता था, पर मैंने फिजिक्स ली। यार जब इंजीनियरिंग से मेडिकल का स्विच हुआ तो मैं इतने सवालों से गुजरा कि ये जो कूल वाला फैक्टर है ये बहुत पीछे छूट गया। अव्वल तो मैं कभी इससे आकर्षित हुआ भी नहीं हूँ, और ये पीछे भी काफ़ी छूट गया है ना। आपके घर में इतने प्रैग्मेटिक लोग हैं तो आप ये डिसीजन ले ही नहीं सकते कूलनेस फैक्टर पे। आपने कभी गूगल पे ऐसे सर्च नहीं किया कि बेस्ट डिपार्टमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट बेस्ट पैकेज है एटी एंड ऑल? यार मेरे को पैकेज नहीं, मेरे को अपने पक्ष में आर्ग्यूमेंट खोजने थे कि मेरे को फिजिक्स क्यों लेनी चाहिए। तो मेरे को ये मालूम था कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मेरे को दो चीज़ देखनी थी, तो पैसा ठीक हो, ऐसा ना हो कि मैं गरीब हो जाऊँ। अच्छा, है ना, पैसा ठीक होना चाहिए, और एवेन्यूज क्या क्या है मुझे ये देखना था। तो मैंने देखा कि पैसा ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बुरा पैसा, ठीक ठाक यानी ठीक ठाक है, यानी जैसे मान लो प्रोफेसर जो है वो ठीक कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, उनके पास कितने सारे पर्क्स होते हैं उनके पास। अभी कल एक प्रोफेसर का हमने पॉडकास्ट लिया था, वो 23 कंट्रीज घूम चुके हैं। यार ये ठीक है, पर अब तुम दो साल के जो एक्सपीरियंस्ड बी टेक करके जो प्लेसमेंट करके जो दो साल के बाद जो आदमी कमा रहा है ना, वही सैलरी स्ट्रक्चर अगर एक बी टेक एम टेक पीएचडी पोस्टडॉक और फिर 10-13 साल के बाद वो प्रोफेसर बनता है, तो उनका अगर पे स्केल अगर सेम है तो पैसा तो ज़्यादा नहीं है। तो आपको कभी बुरा लगता है सिस्टम के लिए कि एक प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू जो बाहर जॉब कर रहे को? यार सिस्टम में मुझे इतनी बुराइयाँ लगती हैं कि मैं प्रोफेसर तक बड़ी लेट आऊँगा। ओके, हाँ तो वापस वहीं पे आते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हाँ 75% मार्क्स आ गए, एंट्रेंस का भी 700 के आसपास। हाँ तो ये हुआ कि तब ये डिबेट चालू हुई कि फिजिक्स लेनी है कि कंप्यूटर साइंस ली जाए या इंजीनियरिंग ली जाए, और तब ये वाली बहस चालू हुई। पहले तो मेडिकल नॉन मेडिकल की थी, तो फिर अल्टीमेटली मैं डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स ही लूँगा क्योंकि पैसा ठीक है और काम मेरे को बहुत पसंद है। उसमें भी आईआईटी कानपुर की सबसे बेस्ट थी उस टाइम। हाँ, मद्रास में देखो टॉप आईआईटीज में जो है मद्रास और खड़गपुर और शायद कानपुर, इनमें ही थी, और मेरे ख्याल रुड़की ने हमारे टाइम पर लॉन्च की थी बीएस फिजिक्स। बाकी इन्हीं तीन में थी फिजिक्स, और बाकी दोनों में बीएससी एमएससी थी इंटीग्रेटेड। यहाँ पे 4 ईयर बीएस प्रोग्राम था, तो एक तो मुझे ये था कि मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी है कि 4 ईयर के बाद अगर मेरे को करना होगा मैं 5 ईयर करा लूँगा, तो ये मुझे मालूम था। दूसरा एच सी वर्मा का एक वो था कि मेरे को उनसे पढ़ना है। अच्छा, हाँ तब तो रिटायर नहीं हुए। हाँ, तो मेरे को उनसे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, मुझे लगता था कि उनका जो फिजिक्स को जो ऑब्जर्व करने का जो नज़रिया है वो मुझसे बड़ा मेल खाता है। मुझे ऐसा लगा कि हमारी फिजिक्स की जो समझ है बड़ी ओवरलैपिंग है, तो इसलिए मुझे उनसे बड़ा पढ़ने की तमन्ना थी। तो इसलिए मेरे को आईआईटी कानपुर लेना था। तो मैं जिस दिन सीट एक्सेप्ट करके आया उसके 2 दिन बाद उनका ट्वीट आया कि मैं रिटायर हो गया हूँ और लैब की चाबी मैंने जमा कर दिया। हाँ, दिल टूट गया काफ़ी। पर यहाँ आया तो यहाँ तो अलग दुनिया है, ये तो शानदार दुनिया, मुझे लगता है कि शानदार। ओके, लगता है कि बेस्ट ईयर्स जो आप 20s में कहीं बिता सकते हैं वो आईआईटी कानपुर में होंगे, पर्टिकुलरली आईआईटी कानपुर ही। यार कैंपस इतना अच्छा है, इतना लिबरल कैंपस है। हाँ, लिबरल तो बहुत ज़्यादा है ना, सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, ऐसे नॉन पिनलाइजिंग और बड़ी प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको पिनलाइज करने के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, वो आपको रोक देंगे। आईआईटी कानपुर में आ गए तो उसके बाद यहाँ की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर एंड वन ड्रीम फर्स्ट ईयर वैसा कुछ था मतलब? भाई मैंने पढ़ ली थी बहुत। अच्छा, हाँ मैंने बहुत पढ़ाई कर ली थी 11th 12th के और ड्रॉप में मैंने छोड़ दी पढ़ाई उसके बाद। मैं यहाँ आया, पहले ईयर के कोर्सेज होते हैं मैकेनिक्स और ये सब, ज़्यादातर जेई का ओवरलैप होता है, और लाइफ का कोर्स होता है वो बायो तो मेरी थी, तो मेरे को तो
मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की भाई, मेरे को पहले सेमेस्टर में जैसे मिला आर्ट और वीडियो मेकिंग, मैं लिया आर्ट और वीडियो मेकिंग, क्योंकि मेरे को अब मेरे को था कि मेरे को बहुत चीज़ें सीखनी है, तो मेरे को फोटोग्राफी क्लब में भी जाना है, आर्ट और वीडियो मेकिंग मतलब मेरे को शौक था, सिनेमा का मेरे को बहुत शौक था, नोलन से मैं बड़ा हुआ क्या कहते हैं उसके जो चकाचौंध थी ना जो नोलन की फिल्म मेकिंग की, तो उससे मैं बड़ा आकर्षित हुआ, तो मैं सिनेमा से बड़ा आकर्षित था, तो आर्ट और वीडियो मेकिंग का मैंने कोर्स ले लिया और मैंने उनको जिया भाई उन कोर्सेज को। वीडियो हमने बनाई, इतनी खराब वीडियो हमने बनाई, पर जो उसने जो सिनेमा को देखने की समझ जो दी तो वो बड़ी शानदार थी। मैं आज भी फिल्म देखता हूँ तो मैं बहुत जगह देखता रहता हूँ, वाह क्या ट्रांजिशन लिया है, ये अच्छा नहीं हुआ, या ये जो कट है या ये जो फ्रेमिंग है, ये सब मैं बहुत देखता रहता हूँ, आजकल भी मेरे अंदर वो है। तो ये सब फिर मैंने जिया उसको, तो बड़ा एनरिचिंग था। ये हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, तकनीक हो गया, यहाँ हम आए तो हमें लग रहा था कि हम तो डरते हुए आए थे कि भाई सीनियर होंगे तो रगड़ देंगे एकदम। रगड़ा फिर किसी ने? हाँ नहीं नहीं तो हम लोग आए तो हमें स्टूडेंट गाइड मिल गया। अच्छा मैं तो पागल हो गया, ये क्या हो गया, हम तो ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि रोज रैगिंग होगी और धब्बा लगेगा। हाँ और यहाँ के तो भाई वो हेल्प कर दे रहा है। हाँ खैर वो दिन तक का था, रात में कुछ और सीन हो गया। तो हाँ एक तो मेरी जो विंग थी वो थी एकदम मेन, आप हॉल में घुसो तो मेरी विंग में आ गए, आपको कहीं से मैस में जाना है तो आप मेरी विंग से गुजरोगे, कहीं से आपको कैंटीन में जाना है तो मेरी विंग से गुजरोगे, तो पूरी विंग फर्स्ट ईयर की थी हमारी। ठीक है तो जो भी सीनियर जा रहा है वो चलो बीच में 10 मिनट इनको थोड़ा रगड़ के चलते हैं, रगड़ के मतलब वो बड़ा वो सही रहा एक्सपीरियंस, वो मुझे लगता है कि बड़ा फ्रूटफुल यहाँ का सीनियर जूनियर इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ। ओके ना वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इन्वेसिव हो गया, जहाँ वो इन्वेसिव बन रहा हमने मना कि वो एकदम रुक गए, बड़ा मैच्योर और बड़ा और ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत लिबरल हो गया कि आपके ऊपर ही छोड़ दे कि भाई करना हो तो करो, कि आप सुस्ती में ना ही करो, है ना। तो वो थे पावरफुल, वो एजेंट थे पर वो इन्वेसिव नहीं हुए कभी, है ना। और जो भी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ उनसे हम खुल बहुत गए। इसका यह हुआ कि हमें अगर मैथ के कल क्विज है और मेरे को असाइनमेंट का सवाल नहीं आ रहा है तो मैं गया अपने स्टूडेंट गाइड के कमरे पे, मैं कहीं सवाल कराओ, है ना। उन्होंने कहा भाई ये मेरे को भी नहीं आ रहा है तो इसके पास आ। अच्छा तो मैं वो सवाल करके आया हूँ फिर। तो ये फ्रैंकनेस जो थी, और ये स्टूडेंट गाइड के साथ नहीं है, कई सीनियर्स के साथ हूँ, है ना। तो ये जो कल्चर था ये बहुत शानदार था। इसी कल्चर ने तकनीक में भी पार्टिसिपेट करने को बोला और तरह जगह जगह जाने को बोला, बहुत जगह मोटिवेट किया कि आप जाओ, हालांकि मोटिवेशन का जरिया गालियाँ थी, पर वो आपको मालूम है कि वो गालियाँ जो हैं वो केवल शब्द है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ बहुत आक्रामक होकर आपको डरा दे रहा है ना, वो महज शब्द है, वो आप जानते हो, मुझे लगता है कि वो सभी लोग जानते हैं। हाँ तो उसने बहुत चीज़ सिखाई, बहुत जगह जाने को मजबूर किया, और उस जाने की मजबूरी ने, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ भी बहुत शानदार लोग आपके सर पे हैं, आप बहुत सीख जाते हैं ना। तो मैं उसी मजबूरी में फिर तकनीक में एस्ट्रोनॉमी में गया, क्या मस्त सीनियर्स मिले भाई, और मैं खूब सीखा वहाँ। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बड़ा विजुअलाइज करने की मेरी आदत है, और मेरे को स्पेस के बारे में जो फिर एवेन्यू मिल गया, है ना, आप सन और अर्थ का ही मोशन पे आप 6 घंटे सोचे जा रहे हैं, है ना, कितनी तो चीज़ें हैं, वो टिल्ट है और ये है और रेवोल्यूशन है और रोटेशन है, इस सब पे ही सोचे जा रहे हैं, और फिर चांद तारे और आ गए हैं, मेरे को मज़ा आ गया भाई। हाँ मेरे को तो मज़ा आ गया उसमें, मेरे को तो एकदम परफेक्ट एवेन्यू मिल गया ना वो पिक्चर मेकिंग का, विजुअलाइजेशन का। मैं उसको इम्प्रूव के जा रहा हूँ, पहले मैं सन और अर्थ का रेवोल्यूशन देख रहा हूँ, फिर मैं उसमें टिल्ट जोड़ दे रहा हूँ, फिर वो बदल जा रहा है, हाँ फिर कुछ जोड़ दे रहा हूँ तो फिर बदल जा रहा है। तो और मेरे साथ ही जो थे मेरे रूममेट वो भी बहुत मस्त था, हम लोग साथ में गए और बगल के रूम वाले भी, हम लोग जो बड़े अच्छे दोस्त थे हम लोग वहाँ गए, तो हमारे जो डिस्कशन है आपस में हुए वो भी बहुत बढ़िया हुए। विंग इतना शानदार कल्चर है, क्या क्या तो कुछ भी डिस्कस करते थे भाई हम लोग, और बुल्ला काटते थे, हाँ बुल्ला भी काटते थे। उसका यार वो बड़ा फिलोसफिकल फायदा हुआ कि आप अपने जो इनहिबिशन हैं उसको छोड़ देते हैं, है ना। दोस्त आपको कुछ भी बोल सकता है ना, आप धर्मांध हैं तो वो, जैसे तुम धर्मांध हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारे सामने गाली दूंगा भगवान को, है ना, तुम ऐसे करके। तो आपको अपने इनहिबिशन छोड़ने पड़ेंगे, तो जब आप
और आपको एकदम कट्टर रैशनल बनना पड़ेगा। तो ये जो तो ऐसी जो बहस हुई विंग में, वो शानदार उसने पर्सपेक्टिव खोला, दिमाग खोल दिया मतलब इस कल्चर ने। हाँ, और जो मेरा रूममेट था वो बड़ा इंटरनेट पे बड़ा ये सब देखता रहता था। तो एक दिन हमारी बहस हो रही है कि जैसे एक ये फिजिक्स में बहुत चलता है कि एक आध बोल देते हैं कि इज दिस यूनिवर्स अ सिमुलेशन, तो इस पर हमारी बहस हो रही है। हाँ, और इसमें हम फिर होल्ड डाउन नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरा ये पक्ष था कि नहीं है भाई रियल है, और वो अभी इस बारे में बहस कर रहा है कि नहीं है, तो हम एकदम फियर्सली उसको रैशनल बहस कर रहे हैं उसको। अच्छा श्रेय, आप मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट सबसे अच्छी रैंक आपकी थी? नहीं, सबसे अच्छी मेरी नहीं थी यार, फिजिक्स में आपकी सबसे अच्छी रैंक नहीं थी? नहीं, एक की 300 थी, पर उसने ब्रांचिंग कर ली थी फिर थर्ड सेम में। तो वो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट लेके आया था? हाँ यार। ओके, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा यार, करने चाहिए। फिर आप डीआर बनते? नहीं यार, मैंने बताया मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, मैं यहाँ मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, तो आपको मतलब चलो ठीक है फिजिक्स ले ली, फिर आपने कभी जॉब के लिए लुकआउट किया कि इंटर्न कुछ करनी है या फिर कुछ करके देखते हैं एक बार जाके वैसा कुछ? यार मुझे जल्दबाजी नहीं थी, और मुझे मालूम था कि मेरे को फिजिक्स जो है उस तरीके से नहीं करनी जैसे लोग करते हैं कि वो चार सवाल लगाएंगे और वो शो ऑफ कर देंगे कि हमने चार सवाल कर लिए हैं। मुझे पहले वो कंसेप्ट पढ़ना है, मुझे अभी ये मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मैंने चारों सवाल नहीं किया है, मैं क्योंकि मैं कंसेप्ट पढ़ रहा था। मैं ये डिस्प्ले करने को तैयार हूँ कि मैंने चारों सवाल नहीं किया, मैं कंसेप्ट पढ़ रहा था, जबकि लोग इस होड़ में थे कि मैं चार सवाल कर चुका हूँ। तो मुझे उस तरीके की फिजिक्स नहीं करनी थी, है ना, जैसे लोग फर्स्ट ईयर में मान लो कोई क्वांटम मैकेनिक्स में इंटर्नशिप खोज रहा है, तो मेरे को ये हड़बड़ाहट नहीं थी कि मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स में इंटर्नशिप खोजनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे नहीं आती है, हमने पढ़ी नहीं है, तो मैं सही समय के इंतजार में। तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ खोजा नहीं है फिजिक्स वाइज, वैसे मैं और कुछ ना, तो फिजिक्स में मैंने कुछ नहीं खोजा। सेकेंड ईयर में मैं ट्राई कर रहा था, तो सेकेंड ईयर में मैंने एक प्रोफ को कॉन्टैक्ट किया, तो वो नए नए आए थे, उनको शायद अंदाजा ना हो कि कैसे क्या टॉपिक देना है, और वो उनकी फील्ड भी बड़ी हाईटेक है, तो वो भाई उन्होंने मेरे को दे दिया क्वांटम टोपोलॉजी। हाँ, मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती, टोपोलॉजी तो मेरे आसपास ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे तुम पता नहीं, कह रहे देख क्या हो कुछ समझ में आया तो डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गया, मैंने विकीपीडिया की पहली लाइन मुझे समझ नहीं आई, मैं कहिए नहीं होगा मुझसे, मैं छोड़ दिया। फिर मैं और जगह लग गया था सेकंड में, फिर क्लब वलब में हम लग गए थे, तो और एवेन्यूज मैंने पकड़ लिया। फिर प्रोफेशनली कैसे चली फिजिक्स आगे धीरे धीरे? यार मेरा ये वो था मन कि मैं थर्ड ईयर तक तो काफ़ी पढ़ लूंगा, जो कि पढ़ भी लिया हमने, तो थर्ड ईयर के बाद से मेरा मन था कि मैं कोविड आ चुका था। हाँ, इंटर्नशिप करूँगा, पर तब कोविड आ गया था, तो वो बड़ा तो कोविड में कुछ नहीं हुआ, कोविड में मिसकम्युनिकेशन हुआ केवल। तो उस टाइम थर्ड ईयर एंड तक तो पता ही नहीं था कि क्या सीन होगा, बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, कोविड का क्या सीन होगा, बढ़ ही रहा है कि घट भी रहा है ना। वो सितंबर से फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट ले लिया, तो वो फिर बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मेरे को मिड सेम का ड्रॉप करना पड़ा। श्रेय, आपने जब यूजी डिग्री यहाँ से पूरी हो चुकी थी, तो आपने कोई ऐसा नहीं सोचा कि बाहर मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? यूजी मेरी यार मेरी बीएसएमएस मैंने करा ली थी, तो फोर्थ ईयर मेरा एट सेम आया, तो मैंने यूजीपी लेने की सोची। तो उस टाइम पे सारे जो बच्चे घर भेजे थे उनमें से पीएचडीज उन्होंने बुलाने शुरू किए होंगे या सीनियर रिसर्चर्स, तो जो प्रोफेसर्स थे ज़्यादातर वो उस टाइम पे उनके साथ बिजी हो गए कि अभी हम प्रोजेक्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम यहाँ बिजी हैं। तो मैंने करीब 11-12 प्रोफेसर कॉन्टैक्ट किया, सबने मना कर दिया। तो एट सेम भी बड़ा लाइट निकला। हाँ, तो उसमें फिर सेकेंड वेव भी आ गई थी, तो नाइन्थ सेम में आए, पर उस टाइम में मैंने हर बोला सबसे बात कर ली थी। तो मैं खोज रहा था कि एमएस तो करनी है किसके अंडर की जाए, तो मेरे को एक आध सीनियर ने बताया कि सर की जो फिजिक्स की इंटरप्रिटेशन है वो शानदार है। अच्छा, तो मुझे लगा बोला सर की। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही आदमी चाहिए मुझे, तो मैंने उनकी रैंडम सर्च किया, तो एक लेक्चर की वीडियो उनकी दिखी, तो उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछा, एक टॉक दे रहे थे कहीं पर, उन्होंने सवाल पूछा बच्चों ने नहीं किया, फिर वो और बेसिक लेवल पे उन्होंने वो सवाल पूछा, तो बच्चों ने आंसर नहीं किया। मेरे भी टीए थे तो ऐसा ही करते थे क्लास। हाँ, तो वो बड़ा बेसिक पे आते चले गए, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये मुझे आदमी चाहिए कि जिसके साथ मैं अपनी बेसिक्स
को भी डिस्कस कर सकूँ। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरे बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पर मैं एडवांस बातें नहीं कर पाऊंगा, है ना। जैसे मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स को पता है, पर मैं नहीं बात कर पाऊंगा कि मोमेंटम कैसे ऐड हो गया, ये सब जो भी हैं जो फ्लैशी चीज़ें हैं। तो ये मेरे को चाहिए था कि मैं एकदम कोर क्वांटम मैकेनिक्स को किसी से डिस्कस कर पाऊँ, या इस तरह फिजिक्स पे। तो फिर मैं सर के पास गया, तो सर ने कहा कि हाँ ठीक है करेंगे। तो फिफ्थ ईयर में मैंने सर के साथ काम स्टार्ट किया, तो उसमें तो मेरे को मजा आ गया फिर। अच्छा, सर के साथ? हाँ, तो खतरनाक एकदम फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं लेके जा रहा हूँ कि सर ये जो थ्योरी मेरे को पसंद नहीं आ रही है, उसमें तो ये लग रहा है। फिर सर बोल रहे हैं हाँ, तो इस ये थ्योरी के बाद ये वाली आई थी, इसमें सब मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो मेरे को भी वो वैलिडेशन मिल रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। अच्छा, जिस फिजिक्स का नज़रिया मैं इतने सालों से लड़ता आया हूँ जिसके लिए, है ना, कि जो लोग एकदम फ्लैशी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करनी है, जिससे मैं लड़ता आया हूँ, तो वो ठीक फिजिक्स का नज़रिया है। मुझे ऐसा वैलिडेशन भी मिला और काम भी बढ़िया हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड, फिर सर ने कहा कि तुम उनके अंडर कर सकता हूँ PhD। और फिर मैंने सर के पुराने स्टूडेंट से बात की, तो मुझे लगा कि तो बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है। पहले मेरा मन था कि मैं इंडिया से ही करूँ, पहले मेरा थर्ड फोर्थ ईयर तक इंडिया से ही, हाँ PhD मैं इंडिया से ही करूँ, बाहर ना जाऊँ। क्यों? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था यार कि छोड़ो यार। नहीं नहीं बताओ। मैं यार उस टाइम पे बड़ा क्रांतिकारी विचार वाला था, मुझे लगता था पता नहीं क्या ही कर दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, देश समाज के लिए एकदम पूरा, देश के साथ बहुत दिक्कतें हैं ना इस समय, बड़ा हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं देश के मामले में, बड़ा हमारे लोकतंत्र पे भी संकट है, हमारे सोशल फैब्रिक पे भी संकट है। तो ये कभी मुझे हमेशा लगता था कि मेरा इसमें रोल है, और तटस्थ नहीं रहा जा सकता। दिनकर की एक लाइन है कि उन्होंने कविता में लिखी है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, यानी युद्ध अभी बचा हुआ है, और पाप का भागी जो है वो केवल वो नहीं है जो पाप कर रहा है, बल्कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध है ना, जो तटस्थ होके खड़े हैं और जो चुप हैं उनका भी अपराध लिखा जाएगा। तो मैं बड़ा इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तटस्थ होने का मेरे पास चारा नहीं है, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मैं लड़का हूँ और मेजॉरिटेरियन धर्म से मिलता जुलता मेरा बड़ा धर्म है, और लोअर कास्ट भी नहीं हूँ मैं कि मेरे साथ वही उत्पीड़न भी हुए हैं, मिडिल क्लास से भी हूँ पर मिडिल क्लास से, तो मैं तो प्रिविलेजेस का बादशाह हूँ भाई, है ना। और IIT में हूँ, इतना सिक्योर्ड कैंपस है, इतने शानदार मेरे आसपास लोग हैं, इतना, और यहाँ आने का एक फ़ायदा ये कि आपके पास एक बैकिंग है कि आप कितना ही ख़राब कर लो अपने कुछ साल, उसके बाद आपके पास भी लोग हैं जो आपको ठीक ठाक एक जीवन दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे नौकरी की आप काफी प्रिविलेज्ड हो, तो दैट्स व्हाई आप हिंदुस्तान से कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, इसलिए मेरे को कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए, यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, इस समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। तो बाहर से पढ़ के आके भी कर सकते थे ना यार, उसमें बहुत लॉस था यार टाइम का और मेरी जवानी का भी था। अच्छा अच्छा, जवानी का जोश, 35 साल में मैं थोड़ी झंडा उठाए घूमूंगा। अच्छा, है ना, ये उम्र तो 25 की है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को था, तो उसमें मुझे लगता था कि अगर इंडिया से ही करनी है तो बेस्ट IITs हैं, ISC है, और उसमें IIT कानपुर में अगर मेरे को इतना शानदार प्रोस्पेक्ट मिल रहा है तो ये तो श्रेय। कभी कैंपस बोरिंग नहीं हुआ आपके लिए कि मतलब इतने साल आपको यहाँ पे हो गए? UG में कभी नहीं हुआ यार, और अभी अभी तो एकदम पलट गया यार, पलट गया। हाँ, बहुत कम लोग बचे हैं। मैं अब देखो, विंग कल्चर नहीं बचा है ना, PGs में विंग कल्चर नहीं है, इसलिए मतलब जो PhD की लाइफ जो होती है, मास्टर्स PG वाले की जो लाइफ होती है काफी लोनली होती है, मतलब सोशली आप लोग कट जाते हो। नहीं नहीं यार, ऐसा हुआ कि लोग हैं, सोशलाइज हमेशा इंसान करता ही है, एवेन्यू की बात है। जैसे लोग अपनी लैब में बहुत सोशलाइज करते हैं, मेरे पास लैब नहीं है, मेरा काम थ्योरेटिकल है, मैं कमरे पे करता था। ठीक है, लोग डिपार्टमेंट में कर लेते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो MSc PhD हैं, तो जब मैं PhD में एडमिशन लिया तो जो मेरे साथी थे वो सब लोग एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, तो उनका एक सेट, एक ग्रुप है। और भी UG नहीं था साथ का जो PhD कर रहे हो? नहीं नहीं,
तो पुराने लोगों से कांटेक्ट आएगा, जूनियर्स थे, एक आध अभी साथी हैं जो, तो उनसे ही था बस। तो हम लोग ऐसे मिलते भाई, जैसे हम लोग 3 हफ्ते बाद मिल रहे हैं और 1.5 घंटा बैठ के बस केवल बातचीत कर रहे हैं, अपने अपनापन साझा कर रहे हैं। तो वो जो जो रोज़ रोज़ का अपनापन जो आदमी साझा करता है अपने दोस्तों से, वो इस तरह वो हो गया, इवेंट में बदल गया वो, कि हम लोग निकल के जा रहे हैं कैंटीन। हाँ कैंटीन दिवाली हो गया। हाँ वो उसी टाइप का ना, तो इस टाइप का वो हो गया। तो वो बड़ा और उस और कैंपस देखने का नज़रिया बदल गया। अब कैंपस मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कैंपस वैसे नहीं मिलता जैसे पहले मिलता था। मुझसे कैंपस बोलता है कि अब तुम्हारा हो गया, तुम चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चौपाटी गया तो वहाँ का जो अकेलापन मुझे हिट किया। पहले जब हम जाते थे, पहले तो रोज़ चले जाते थे भाई, ऐसे घूमने निकल जाते थे रोज़। पता नहीं कैसे हम लोग कैंपस घूमने निकल जाते थे, रोज़ निकल जाते थे, कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, ओईटी घूम जा, ओईटी चले जा रहे हैं, किसी बहाने चौपाटी। और वहाँ वो जगह मिलती थी मुझे, वो मुझे जगह अपनाती थी। अभी ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, इतना क्या है? ये हर एक जो दृश्य है मेरा देखा हुआ है, पर ये जो जगह है मुझे स्वीकार नहीं कर रही, मुझे बोल रहे कि तुम चले जाओ, तुम्हारा हो गया। डील कैसे करते हो? क्योंकि मतलब यार मैंने बहुत कम कर दिया। ओके हाँ, बाहर निकलना, तो मेरा बाहर निकलना इतना हुआ कि मैं कमरे से वो सर से मीटिंग और वापस फिर हॉल की कैंटीन, मेस और कमरा, इस टाइप का। कमरे में क्या करते हो? हाँ बड़ा एग्जिस्टेंशियल वाला, बड़ा अकेलापन था। तो था यहाँ से कुछ प्लान है श्रेय आपका कि आगे कुछ करना, लाइफ विजन है कुछ वैसा कुछ? यार मेरी जो फील्ड है तो मेरा मटेरियल्स पे बड़ा रिलेटेड फील्ड है, तो मटेरियल्स सॉलिड ज़्यादातर पे अगर आपको कुछ करना है, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आपको जो थ्योरी लगानी है वो मेरी फील्ड है ना। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो शानदार है ना, और इतनी शानदार है जैसे मान लो कि किसी को मान लो परमानेंट मैग्नेट बनाने का साधन चाहिए, देखना है कि कौन सा सब्सटेंस हो सकता है ना। तो आपको मान लीजिए 2-3 फैक्टर्स आपने निकाल लिए कि मैं वो एलिमेंट इस्तेमाल करूँगा जो इंडिया में मिलते हों, ताकि इम्पोर्ट ना करना पड़े। अच्छा। जो सस्ते हों और रेयर अर्थ फ्री हो, मान लो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इस टाइप का। तो मान लो आप 5-6 चीज़ें आपने अपने बना लिए, फिर आपके पास मान लो 10 एलिमेंट आ गए। अब आप देख रहे हैं कि उन 10 एलिमेंट का आपने मिला के कोई सॉलिड बना लिया, कुछ भी हाइपोथेटिकल भी है ना। अभी आपको देखना है ये सॉलिड स्टेबल है कि नहीं है, ये मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, ये सब देखना है। तो अब मेरी थ्योरी लगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके का काम बहुत शानदार हुआ इस फील्ड में, लोगों ने कर लिया है कि उन्होंने ऐसा किया है, और फिर 7-8 कैंडिडेट्स निकाल लिए जो परफेक्ट, जैसे इंडिया में मिनरल मिल रहा है, सस्ता है, रेयर अर्थ फ्री है और मैग्नेटिक है, और 7-8 उन्होंने बना लिए, उन्होंने पब्लिश कर दिया उन्होंने पेपर। अच्छा। है ना। और फिर उस पर कहीं कुछ काम चल रहा है तो मुझे मालूम नहीं है, पर ये सब थ्योरी में सब काम चल रहा है। तो इसके बड़े शानदार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी हो नहीं रहे, मुझे दिखते हैं, होते दिख नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि चूंकि मेरे पास एक फैमिली है एलुमनाइज की और फ्रेंड्स की जो कॉरपोरेट में है और इसी कल्चर में है ना, स्टार्टअप में भी हैं कुछ लोग, तो मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं भी इस फील्ड में आगे कभी कुछ कर पाऊँ। अच्छा। अभी तो मेरा है कि मैं अपनी PhD कंप्लीट करूँ इसी मटेरियल डिज़ाइन में, और मैं 2-3 चीज़ें और सीखूँ। कभी और वैसा कुछ प्रोफेसर बनना हो या फिर? हाँ यार ये तो है ही, मैं तो मेरा मेन जो मैं जो मैंने बताया कि मैं फिजिक्स ले रहा था, तब तो मैंने सोचा ही था कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास है वो प्रोफेसर की है। अच्छा। काफ़ी पर्क्स होते हैं? हाँ पर्क से ज़्यादा मुझे वो फिजिक्स तो करते रहना है। अभी तो कॉन्फ्रेंस वगैरह आएगी तो विदेशी देश आओगे या फिर? हाँ ये सब तो को मिलेगा। हाँ सरकारी खर्चे पे? नहीं यार सरकारी खर्चे तो ऐसे तो कंपनी वाले लोग भी कंपनी के खर्चे पे जाते ही हैं। फेलोशिप वाला जो सीन आता है, काम चल जाता है अच्छा वाला एक PhD स्टूडेंट का? हाँ यार क्या ही खर्चे हैं यार, अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत टेंशन अभी नहीं है, वही प्रिविलेज। तो अगर आप सेव बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बहुत मतलब ठीक है ना, खर्चा नहीं। तो इंडियन जो मॉडल है ना वो सेविंग पे ज्यादा चलता है, विदेशी लोग क्या है मतलब पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग मनी अपने पास नहीं रखते, और इंडियंस की बचा के रखो कभी काम आएगा या फिर वैसा कुछ अपनी मेंटेलिटी होगी। वो भी सेविंग ही है, जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे एक लाइफ स्टाइल होगा ना कि आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाए, तो अगर आपका जैसे आप मान लो गुड़गांव में है ना, आपको रेस्टोरेंट में जाना है, आप 2 लोग रेस्टोरेंट में घूम के आपका 2,000 का खर्चा हो गया, ठीक है। अब आप कैंपस में हो, आप
रेस्टोरेंट में दो लोग घूम के आए, रेस्टोरेंट तो अव्वल तो कोई जाता नहीं। कैंटीन में आप जाओगे ना, जैसे आउटिंग कहीं बाहर खाना हो तो आप दोस्त के साथ किसी अच्छे वाली कैंटीन में चले गए, वहाँ आप खा के आपका 70 रुपया खर्चा हो गया है ना, तो 1000 का एकदम से 70 हो गया, तो जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है यहाँ। आप कितना ही खर्च कर लोगे, आप खाए जाओ खाए जाओ, कपड़े मंगा लो, क्या ही तो करते रहोगे। सो लग्जरीज को लेके इतना नहीं रहा कि कुछ लग्जरी खरीदनी है वैसा कुछ? नहीं नहीं, मेरा कभी प्रलोभन रहा। अच्छा श्रेय, आज का जो पॉडकास्ट था, मतलब इसमें आप 30 मिनट लेट आए, जिसके अक्सर आप सारे इवेंट्स में लेट ही जाते हो, तो आप एक आपको आपके बेच लोग चौकीदार बुलाते थे तो ये कि चौकीदार नाम कैसे पड़ा? जैसा कि मैं बोल रहा था कि देश समाज में जो है बड़ी विकृतियां फैल गई हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो मेरा, अब मैं हिचकता नहीं हुई बोलने में कि मेरा बड़ा एंटी मोदी और एंटी बीजेपी और स्टैंड है, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एंटी कम्युनल स्टैंड है और बड़ा प्रो डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसलिए मैं एंटी बीजेपी भी हूँ और एंटी मोदी भी हूँ। okay. मैं बड़ी मुखरता से बात बोल सकता हूँ। तो ये बात, और घर वाले? मैंने जब, पापा तो मेरे रैशनलिस्ट हैं, वो तो लेफ्टिस्ट आदमी थे। अच्छा। हाँ, घर वाले ठीक हैं, राइट विंग ज़्यादा है। हाँ, तो ये सब था सेकेंड ईयर में, तो ये सब था, तो लोगों ने मीम पेज बना लिया, तो ऐसे ही मॉक करने के लिए उन्होंने मेरा नाम, उस टाइम पे सब बहुत चला था ना, उस टाइम पे चुनाव 2018 की बात है, 2019 में चुनाव थे, तो उस टाइम पे एक बड़ी टैगलाइन थी, चौकीदार चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अच्छा अच्छा, ओ तो मोदी समर्थक सब मैं भी चौकीदार बन रहे थे ना भाई साहब, तो वहां से फिर मेरे को उस मीम पेज का नाम रखा था चौकीदार श्री जैन। ओरे भाई साहब, तो हाँ उस पे बड़े बढ़िया मीम्स है यार। तब एंटी मोदी थी इसलिए आपका नाम चौकीदार पड़ा? हाँ, उसमें मैं शर्ट पहन के तो कोई फंक्शन में गया था ब्लू कलर की। अच्छा। हाँ, तो एक दोस्त जिसने मीम पेज बनाया था उसने मेरी शर्ट सेलेक्ट करके उसको नेगेटिव कर दिया। अच्छा। तो वो ऑरेंज हो गई। अच्छा। पढ़ते रहो यार, तुम्हें भी कहूंगा मैं और तुम्हारे दर्शकों को भी कहूंगा कि पढ़ते रहो, है ना। मैं अपने इस एक घंटे में अपने जो पिछले 9 साल का जो स्ट्रगल है वो पेश कर रहा हूँ, तो अगर आप अपना एक घंटा निकाल रहे हैं तो आप कम से कम ये डिमांड जरूर रखिए कि सामने वाला अपने 9 साल तुम्हें सुना दे, है ना। तो आप अपने समय की कद्र करो, और जब भी आप, मैं कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना करें, है ना, आप वेल इन्फॉर्म्ड और वेल रिस्पेक्टेड सोर्सेज से आप बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें, ये आपकी जो पर्सनैलिटी में ऐड करेगा और आपकी जो समझ में ऐड करेगा ये बहुत शानदार है। आप बहुत मैच्योर भी होंगे, बहुत बेहतर डिसीजन लेने के कॉन्फिडेंस में भी आएंगे। बिना कॉन्फिडेंस के आप अपना डिसीजन बड़ा मुश्किल ले पाएंगे, तब आप भीड़ के पीछे चलेंगे। हाँ यार, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाएंगे। हाँ तो YouTube पे है? हाँ YouTube पे है, हाँ तो बेल आइकन भी दबाओ यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।